मॉर्निंग वॉरियर्स, आज हम लोग सारे वॉरियर्स यहाँ एनसीटी एससीटी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं और उस जगह प्लेस पे हम लोग हैं बार्सिलोना में, जहाँ कुछ दिन पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उससे भी ना डरते हुए हमने ये फैसला किया कि आप लोगों से एक अच्छी मैसेज उसी जगह से करूं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से डर को नहीं निकालोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ सारे वॉरियर्स यहाँ बैठे हैं, और उसी में से सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा जो हमारे भीष्म पितामह है, जो बिल्कुल आदरणीय है हमारे रमेश पुरानी सर। कुछ बोलना चाहेंगे सर, प्लीज? गुड मॉर्निंग। आज हम बार्सिलोना में जितने भी वॉरियर जो आए हुए हैं सारे बहुत चार्ज अप हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और 3, 4, 5 की पूरी जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, और खुद तो आएंगे ही आएंगे। अपने साथ सब ने वायदा किया कि अपने साथ 5-5-10 आदमी घुमा ले जाएंगे। उसके बाद गोवा में हूँ जो है तकरीबन 100 से 1000 आदमी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो दिन रात मेहनत कर करके आज वेस्टीज में इतने आगे बढ़ रहे हैं, और आप वॉरियर्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो वॉरियर्स के बारे में जो अगर रिगार्डिंग फॉरेन ट्रिप की बात करूँ, तो आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो अगला टूर होगा उसमें कितने वॉरियर्स जो डेडिकेशन, जो पैशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, कितने लोग आ रहे हैं? जो वॉरियर इस बार पहली बार आए इतने एक्साइटेड होकर जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं अगली बार हर आदमी अपने साथ 10-10 साथ आएगा, तो जो इस बार हम 25 लोग हैं, कम से कम ये 250 लोग हो गए, 250 से भी 300 के करीब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं एक और हमारे सीनियर मोस्ट जो हम लोग के बहुत चाहते हैं अपलाइन मिस्टर गुरुशरण सर से बात करना चाहूँगा। सर बताएं सर। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, आज मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का जो माहौल है और यहाँ पर जो भीड़ है, और इस भीड़ में बहुत से लोग इंडियन हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अब थोड़ी सी और मेहनत की, थोड़ा सा और जुनून के साथ काम किया, तो यहाँ पर इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम वॉरियर्स अगले फॉरेन टूर में 500 से ऊपर भी हों। और दोस्तों ये पक्की बात है, अगर हम लोगों ने अपने आप को इसी तरीके से एनर्जेटिक रखा, इसी तरीके से काम किया, तो ये फॉरेन टूर हम अपने खुद के भी करेंगे। थैंक यू। अब हमारे और एनर्जेटिक लीडर्स विक्की जायसवाल जो हमारे इन सिटीज में बनाए। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, हमारा एक ही मैसेज है कि जो हमने कमिट किया है वॉरियर टीम से मिशन 1000 जो हमने कमिट किया है, तो 3, 4, 5 रेडिशन ब्लू में होना है, 3, 4, 5 को जो हमने कमिट किया है कि 1000 लोगों को 2019 तक लग्जरी कार पे बिठाएंगे, वो टारगेट हमने लिया और उसको हम लोग मिलके सब लोग पूरा करेंगे। और ऐसा टारगेट लिया गया कि वही 1000 लोग हम लोग जब दोबारा आएंगे फॉरेन ट्रिप पे, वो सारे के सारे हमारे साथ होंगे और टारगेट ओरिएंटेड वर्क करेंगे हम लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब एक और हमारे एनसीटी मिस्टर उमेश भारद्वाज, बताएं। हाय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत फन, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मजा आ रहा है इस ट्रिप में। एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, तो वॉरियर्स जब से फॉर्म हुई है मेरे अंदर ही नहीं, डेफिनेटली आप सबके अंदर एनर्जी भर के आ रही होगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम शुरू हुआ है 3, 4, 5 अक्टूबर को जो हम कर रहे हैं, वो ऐसा एक इवेंट कर रहे हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। उससे हमारी नींव बनेगी, इसके बाद वॉरियर्स पीछे मुड़के देखेगा नहीं। वॉरियर एक योद्धा जो हर मोर्चे पे जाके खड़ा होगा, लड़ेगा, और हर अपने डिस्ट्रीब्यूटर, हर अपने नेटवर्क के लोगों को हाई लेवल पर। गुड। और एक हमारी एनसीटी की जो वीरांगनाए हैं उनसे बात करना चाहूंगा, मिस ज्योति जायसवाल। जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है ना अपना कद आसमान का। बस हम सारे वॉरियर्स मिलके बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, तो हम सब यही विश करेंगे कि आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि आने वाले 2018 में हमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करनी है, और अगले फॉरेन ट्रिप में हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि आप सब हम साथ में आए और बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आपने देखा अभी जो हमारे जितने भी एनसीटी है, सारे एनसीटी मेंबर्स जो यहाँ पर आए हैं उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना पैशन है, और जो आज 24 तारीख को जो क्रांति हुई है, लोगों ने जो किया है हमारे जो वॉरियर्स ने, मैं आपको बता दूं कि अगला जो एक साल होगा,
जितना जो बताया गया वो होगा, जैसा आपको लग भी रहा होगा। अब 3, 4, 5 जो हमारा रेडिसन ब्लू ग्रेटर नोएडा में होने वाला है, वो 100 जो लग्जरी कार जो कंपनी ने जो अपना टारगेट रखा था, अब वो टारगेट वॉरियर्स करेगी, और कंपनी का जो टारगेट है हमारे वेस्टीज का, वो और टारगेट बड़ा होगा। जरा सोचिए कि वो दिन कैसा होगा जब ज्यादा से ज्यादा जो टर्नओवर हमारे वॉरियर्स का होगा। एक और हमारी वीरांगनाएं यहाँ पर है, सुनीता भारद्वाज, मैं उनसे भी मिलाना चाहूंगा, जो अभी तक आप लोगों ने मिला नहीं है कभी, मैं पहली बार आपको मिलवा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, आप जो ठान लिए हैं वो करके रहेंगे। ओके ओके, हाँ। अब हमारे उत्तरांचल के एक यंग चेयर मोहित जायसवाल, मोहित बजाज, ओके नो प्रॉब्लम, आप बताओ, आप तो पहली बार आए हो। देखिए मैं पहली बार आया हूँ, काफी पैशनेट हूँ, और चीजें देख के जैसा माहौल है, जैसी चीजें हैं, मैं हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि दबा के मेहनत करिए। हम सब एक संग गोवा में बहुत ऐश करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को लेके आइए, डेली को प्रायोरिटी रखिए, और यकीन मानिए फ्री ट्रिप और ऐसा एंजॉयमेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकेगा। वी आर दी बेस्ट टीम एंड वी विल रूल वन डे। ओके मोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जॉब भी करी है, बहुत सारे जॉब करे हैं, मैं जैसा मैं आपसे बात किया आपने, और जो आप कह रहे थे कि जो अभी मैं बार्सिलोना में जो एंजॉय कर रहा हूँ, शायद मैं जॉब में इससे पहले भी आपने ट्रिप करी है। बिल्कुल, तो वो चीज के बारे में आप देखिए, उससे इससे पहले मैंने जो भी ट्रिप्स करी है वो कॉर्पोरेट ट्रिप्स करी है, जैसे जॉब से रिलेटेड करी है। ये एक पहली ट्रिप रही है मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें मैंने इतना सीखा है कि यहाँ पर जो आप राइज करते हैं, जो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो कहीं पर भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी पीस फ्रीडम जो आपको मिलती है, कोई भी एक तरीके का बोझ नहीं आपके सर पे, जो चाहते हैं आप वो हासिल करते हैं, और पैसे को खर्च करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, सबसे अच्छी बात है, और सबसे ब्राइट फ्यूचर हम लोगों का। मैं अगेन वही कहूंगा, जॉब से बढ़िया अगर हर चीजों में आंकला जाए तो नेटवर्किंग इज बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट। ओके, और एक हमारे एक और एसटी है हमारे नरेश जी, जो हमारे ऑफिशियल वॉरियर्स के बार्सिलोना में फोटोग्राफर बन चुके हैं, काफी अच्छे फैमिली के, बताएं। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, अभी दूर पे आए सर लोगों के साथ, तो यहाँ पर देखकर अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अपने फाउंडर से जो वॉरियर्स के इनका ड्रीम, इनका टारगेट और इनका डिसाइडेशन, इनका डेडिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग अपन लोगों के साथ जो वॉरियर्स में अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का अभी कोई नया अचीवमेंट नहीं है, नया लेवल्स नहीं है, कि इन लोगों के लिए इतना गजब का प्लान करके बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब प्लान बनाया 1000 लोगों का, जब ये गोवा का प्लान इसी साल का बना रहे हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। ओके ओके, लोग इस टारगेट को हाइट करें, और सबसे द बेस्ट प्लान है वेस्टीज का, और वेस्टीज में द बेस्ट टीम है वॉरियर्स, और वॉरियर्स को ज्वाइन करें, और वॉरियर्स के साथ आपकी सफलता। ओके अंसारी साहब, अंसारी साहब बताएं हमारे। गुड मॉर्निंग वॉरियर, हम लोग बार्सिलोना में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप आने वाले ट्रिप के में हमारे साथ में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग आवे, और जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो हिसाब से प्लान डिजाइन कर रहे हैं और वॉरियर टीम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो आप लोगों का भी भविष्य बहुत अच्छा होगा, और साल में 2 ट्रिप इसी तरह से इंजॉय करेंगे जैसे आज हम लोग बार्सिलोना में इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू विश वेरी। ओके थैंक यू सो मच वॉरियर्स।